स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई हमारी, जैसे भाई हमारी रहती है अपने इस कमरे में, जो भाई जिस कमरे में हम कभी कभार जो बताया था मैंने आपको एडिटिंग कर लेते हैं, है ना। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है भाई, 3 तारीख से जाना है मेरे को स्कूल का, अभी तो भाई फ्री हूँ मैं, है ना। तो क्या करना है भाई, आज इस कमरे को भाई अपना वापस से बढ़िया करते हैं, इसको भाई इसको ठीक करते हैं, है ना। एक तो इसको और भाई जैसे इसकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें उन सबको साफ सफाई करके भाई इस रूम को अच्छी एकदम अच्छा बना देते हैं। और आज का व्लॉग भाई बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो भाई पूरा देखना है, वॉच टाइम कंप्लीट कर दो यार, 4000 घंटे की वॉच टाइम कर दो उसे कंप्लीट। धूप कैसे आ रही है, किसका कॉल आ गया। तो चलो भाई किसी का कॉल आ रहा है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, कॉल पे एक बार बात कर लूँ। तो भाई कुछ है, फ़ोन आया था भाई डिलीवरी बॉय का, इसे लेके जाना है भाई, रिटर्न करवाते हैं इसको। हो रहा भाई हमारा डिलीवरी बॉय ले जाने वाला इसको। हेलो कर दो भाई, हेलो कर दो। अच्छा हेलो, कैसे कम मिलेगा भाई? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर डालते हो वीडियो? हाँ वीडियो डालते हैं। सब्सक्राइब कर दो अपने फ़ोन से, चेक करो पहले से, टाइम नहीं है, बाद में आ जाना। 24 घंटे के अंदर रिफंड। तो देखो भाई है ना, तो कर बात है अभी काम, गेट की कंपनी लगा देते हैं भाई। तो चलो भाई अपने काम पे चलते हैं, उसको मतलब अपने रूम को ठीक करते हैं हमने अंदर। चल मतलब तो भाई सामान ले गया है, माइक तो भाई ख़राब हो गया था हमारा, फिर मैंने गया था भाई रिफंड करवा दिया मैंने, मतलब 24 घंटे के अंदर हो गया मेरे को। तो भाई अब हमें करना है इसको ठीक, सबसे पहले तो एक बार देखते हैं। देखो भाई छोटा प्ले ग्राउंड दिख जाएगा भाई आपको यहाँ से, भाई भाई गिर जाता भी मैं। देखो फोटो भी सही मतलब बढ़िया आ रहा है ना। तो भाई अब इसको सोचते हैं कैसे करना है, मैं सोच रहा हूँ इसी गत्ते को लगा दूँ इस पर बढ़िया, मतलब फंसा के एकदम वो कील वील गाड़ के। तो देखते हैं, और यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें ठीक करनी है, सफाई करनी है, क्योंकि भाई इस घर में कोई भी नहीं रहता, मतलब इस कमरे में कोई भी नहीं रहता, इसलिए भाई ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। चलो भाई अब इसको करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो चलो भाई अभी कैमरा सेट कर दिया है भाई, आपको थोड़ी बहुत धूप आनी होगी, मतलब एंड ब्राइटनेस शो कर दिए एकदम। तो चलो भाई अब करते हैं सारी सफाई। मतलब हमारे पीछे वाले फ्लैट में बहुत सारे गत्ते पड़े हुए हैं, वहाँ से गत्ता लेके आते हैं जल्दी से। तो चलो भाई चलते हैं अब आपको पीछे वाले फ्लैट का, पीछे वाले फ्लैट में भी चलते हैं ना। गत्ता ले लिया ये रहा भाई, है ना। तो चलो भाई अब चलते हैं इसको लेके। भाई मेरे को लगता है ये परफेक्ट साइज है उसका, मतलब जो विंडो है उसका परफेक्ट साइज है, है ना। अभी तो बन रहा है हैं इसको और लगाते हैं। अब आ चुके हैं ये लेकर, यहाँ पर लगाते हैं हम जल्दी से इसको। भाई बहुत ज़्यादा धूप आ रही है ना, और अभी तो गर्मी भी स्टार्ट हो गई, अगर इसको नहीं लगाया ना ये गर्मी मच्छर सब कुछ। तो चलो भाई अब इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं यही सोच रहा हूँ भाई इसे कैसे लगाऊं, टेप से या फिर कील से किसी चीज़ से लगाना पड़ेगा। अभी तो इस
उसे फिट करने में तो भाई हालत टाइट हो गई थी एकदम भाई, हाथ वाथ छिल गया मेरा, मतलब हाथ छिल गया तो भाई। पर अभी भी इसमें से ना हल्की बहुत धूप आ रही है इस तरफ साइड साइड से, तो इसको भाई उस तरफ से बंद करना पड़ेगा तभी जाके होगा। नहीं तो भाई ये मच्छर तो तब भी घुसेंगे। तो इतना तो फिट हो गया अभी, हाँ यहाँ से जैसे कोने कोने में से रह रहा है ना, इसको भी भाई बंद करना पड़ेगा। ये छोटे पीस है गद्दे का, इसको लगा लेंगे। चलो भाई अब बाहर जाके लगाता हूँ, फिर लगा के मिलता हूँ, क्योंकि भाई बाहर नहीं ले जाऊँगा ना कैमरा, तो लगा के आऊँगा फिर मिलता हूँ आपसे। भाई अब तो एकदम पैक कर दिया मैंने वहाँ से जाकर, है ना भाई, थोड़ी थोड़ी बहुत तो आएगी भाई थोड़ी तो, क्योंकि भाई ऐसे एकदम बंद तो होने के लिए मेरे पास वो टेप वेप की भी चीज होगी, तो मैंने बिना उसके बस गत्ते गत्ते लगाए और पीछे ईट लगा दी, हो गया भाई अब ये डन। अब करते हैं भाई साफ, भाई साफ सफाई, ये जो गंदा हो रखा है ना थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी, और ये देखो भाई, ये देखो इसके ऊपर भाई एमसी मतलब क्या जो भी कहते हैं इसको, इसके ऊपर भाई देखो कितनी सारी मिट्टी जमी हुई है, इसे साफ करते हैं। और मकड़ी के जाले भाई ये देखो, मकड़ी के जाले तीनों चारों तरफ भाई मकड़ी के जाले हैं, इन्हें साफ करते हैं। पंख इन सब चीज़ों को साफ करके फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई एक खाट जगह पे मैं सोता हूँ कभी कभार सोता हूँ, इसको भाई इसकी पोजीशन ठीक करनी है। और ये भाई हमारे चैलेंज के लिए गद्दा बिछाया था मैंने, जो आपने अभी तक देख लिया होगा, तो इसे इसके ऊपर डालना है। बहुत सारी चीज़ें भाई इन्हें ठीक ठाक करके, और तो भाई झाड़ू ले आया हूँ मैं, अब इसे पंखा तो बंद कर देने को, पंखा बंद कर दिया है। अब भाई यहाँ से सारी चीज़ें हटा दे रहे हैं, तो भाई जो कोने में छोटे मोटे जो जाले थे वो मैंने भाई हटा दिए हैं, है ना। अब तो भाई अब बस साफ डस्टिंग तो होगी है, जितनी थोड़ी बहुत थी भाई ज़्यादा नहीं थी, मैं क्योंकि साफ करते रहता हूँ इसे। तो भाई अभी जो ये था गद्दा मैंने झाड़ दिया है ना, और भाई गंदा भी हो चुका हूँ मैं, क्योंकि भाई मिट्टी वट्टी सब सारी जो मैं गद्दा निकालने गया था तो भाई वहाँ पे गद्दे में इतनी मिट्टी थी भाई, वो मेरे ऊपर गिर गई सारी, है ना। मेरे को लगा भाई कुछ नहीं है तो उसमें बहुत सारी मिट्टी थी, तो भाई मेरे ऊपर गिर गई है, भाई एक बार नहाना भी पड़ेगा, ज्यादा वाले हटाए थे इसलिए भी, है ना। तो भाई नहाकर मिलते हैं, पहले ये काम करते हैं, ये काम कर सकते हैं भाई। नहाने जा ही रहा था तो भाई मन जो होली की पहराव नहीं रह रखी थी भाई, अभी तक गई नहीं थी, तो उसे देखे आते हैं मंदिर पंडित जी को। तो चलो तो भाई मंदिर आ चुके हैं, हम देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हमने दे दिए पंडित जी को, है ना। और भाई उस रास्ते पे लग रहा है जाम बहुत ज़्यादा, तो हम जाते हैं इस वाले रास्ते से, यहाँ पे भी जाम लग रहा है। ये देखो भाई टम्पू वम्पू सारे खड़े हुए हैं इधर। अब हम आ चुके हैं अपने कमरे में भाई, मैं गया हुआ था ना, पहले तो भाई नहाने गया था, फिर एक दो काम थे भाई दूर दूर लाने लेके आना था, वो भी ले आए हैं, नहा धो के एकदम रेडी है भाई। तो भाई अभी पूजा करते हैं भाई, जोत बत्ती तो हमने कर दिए, देखो भाई हो गई है ना। और भाई अब जाते हैं हम बतासे लेने, क्योंकि भाई कल जाना है हमें, पता नहीं भूल गया भाई कहाँ जाना है, बस नाम भूल गया, है ना। तो चलो भाई वहाँ पे जाते हैं, उससे पहले भाई बतासे लेके आने प्रसाद है भाई, है ना। तो चलो भाई चलते हैं, सुबह 5 बजे जाना है शायद, है ना। तो भाई चलो मिलता हूँ वहाँ से सीधा दुकान पर बतासे वाले। अब हम आ चुके हैं दुकान से बतासे लेके, मैंने दादी को दे दिए, और भाई कमरे में थोड़ा थोड़ा धुआं भी दिख रहा होगा,
है ना। और भाई ये के लाइट की पोजीशन थोड़ी सी मतलब जगह थोड़ी बेकार है इससे, पता नहीं, और होल्डर है भी नहीं यहाँ पे लगाएंगे भाई, क्योंकि भाई यहाँ पर ना बिल्कुल भी अगर मान लो ऐसे ब्लॉग बनाऊंगा तो भाई पीछे से अलग ही चमकता ही है, तो इसे भाई यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाते हैं। और भाई खाना खाते हैं और फिर हाँ एक चीज़ तो भाई भूल ही गए, देखो भाई यहाँ पर ऑल आउट भी लेके आनी पड़ेगी अभी मेरे को, क्योंकि भाई अरे ये क्या हो गया भाई, ट्राईपॉड है ना यहाँ से हिल रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घूमे जा रहा। और भाई मैंने टाइट भी करने की कोशिश करी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने सोचा भाई टेप ही लगा देता हूँ यहाँ, तो भाई अब टेप लगा दिया, अच्छा वर्क कर रहा है एकदम। ये सिर्फ भाई मैं रखता हूँ जैसे आज मैंने काम करा उसके लिए, जैसे यहाँ पे भाई फ़ोन लगा दिया भाई देख ऐसे हो गया पूरा, तो भाई सिर्फ मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ, ऐसे ब्लॉगिंग के लिए भी ऐसे थोड़ा बहुत है ना। और भाई ये क्या वो जो माइक मंगाया था हमने उसका रिफंड भी नहीं आया अभी तक, वो कह रहा 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, तो देखते हैं कल तक आता है कि नहीं आता। तो चलो भाई अभी चलते हैं ऑल आउट लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रखी हुई है एक उसी लगाते हैं ना, एक रखी हुई है उसी लगाते हैं। चलो भाई लगा दिया हमने ऑल आउट है ना। भाई अब मैं बना रहा हूँ थंबनेल 24 आवर लिविंग इन स्क्वायर वाला, तो भाई अब बनाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। थोड़ी अभी थंबनेल बना लिया हमने 24 आवर लिविंग स्क्वायर वाला चैलेंज का, यहाँ पर आ जाएगा है ना, तो ज़रूर से बताना भाई कैसा लग रहा है। और भाई अब चलते हैं जल्दी से खाना खाने के लिए और फ़ोन को लगा देते हैं चार्जिंग पे, फिर मैं भाई खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। भाई अभी मेरे को रिफंड आ चुका है जो मैंने K9 का माइक मंगाया था। नेक्स्ट डे आज, और मैं जा रहा हूँ भाई अभी सुबह सुबह दादी को लेकर मंदिर पर है ना, तो चलो भाई चलते हैं मंदिर को लेके स्कूटी पे। भाई अभी आ चुके हैं, अभी अंदर गए हैं दादी पूजने माता को, तो चलो भाई इतने स्टार्ट करके मोड़ लेते हैं इसको। अभी दूसरा मंदिर का आ चुके हैं, एक और मंदिर पे जाना है, इतना अभी जा रही है दादी भाई, हमने मोड़ ली स्कूटी। अभी दूसरे मंदिर से भी आ चुके हैं घर पे, हाँ भाई वीडियो नहीं बनाई हमने, तो भाई अभी उठ गए हैं सुबह सुबह, मंदिर चले गए थे भाई नहा के गए थे सुबह सुबह है ना, तो भाई अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और भाई ये कहना चाहता था कि भाई अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देख ही लिया है तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर से जाना, अभी थोड़ा बहुत और आगे रहेगा व्लॉग, क्योंकि ये व्लॉग मैं बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ इसलिए भाई है ना। तो भाई देखते हैं अभी क्या खाएंगे फिर आपसे मिलता हूँ। इस ब्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।